hey guys this is priyanshu and you are watching fab priyanshu in this video we are going to cover a poem of class 10th that is fire and ice it is the second poem of class 10th from the book the first, the first flight so let's get started without wasting time DJ, drop that ये जो पोएम है फायर एंड आइस उसको रोबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था और इस पोएम से एक थ्योरी निकल के आती है कि एक बार रोबर्ट फ्रॉस्ट एक एस्ट्रोनॉमर के पास गए थे जिनका नाम हार्लो सैपली था और रोबर्ट फ्रॉस्ट ने उनसे पूछा कि इस वर्ल्ड का अंत कैसे होगा तो उन्होंने इन्हें बताया कि या तो सूरज फट जाएगा जिसकी वजह से धरती जल जाएगी या तो आइस से आ जा जाएगा उसकी वजह से ये जो वर्ल्ड है वो एंड होगा और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक साल बाद एक प्रिंट में देखा जब रोबर्ट फ्रॉस ने ये पोम फायर एंड आइस को लिखा इस पोम में रोबर्ट फ्रॉस ने बताया है कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं पहला ग्रुप ये मानता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा और जो दूसरा ग्रुप है वो ये मानता है कि ये जो वर्ल्ड है वो आइस की वजह से ख़त्म होगा इस पोम में रोबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिज़ायर से यानी इच्छा से कनेक्ट किया है और आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया है यानी कि नफरत से कंपेयर किया है तो चलिए अब पोम शुरू करते हैं सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम सेज इन आइस फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दो फायर बट इफ इट हैड टू पेरिस आई थिंक आई न्यू इनफ ऑफ हेट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड उड सफाइस तो चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं पेरिस मीन्स होता है डाई एंड सफाइस मींस होता है एनफ मीन्स टू बी सफिशेंट सम से द वर्ल्ड विल इन इन फायर सम से इन आइस तो यहाँ पे रोबर फ्रॉस्ट बताते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो वर्ल्ड है उसका एंड फायर की वजह से होगा मींस डिज़ायर की वजह से होगा और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो वर्ल्ड है उसका एंड आइस की वजह से होगा यानी हेट्रेड की वजह से होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि लोगों में इतनी डिज़ायर होती है कि वो अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं मारपीट करते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है और कुछ लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना हेट्रेड होता है इतना नफरत होता है कि वो लोग झगड़ते हैं मारते हैं एक दूसरे को पीटते हैं एक दूसरे को विच अगेन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड स्टेट ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दो हु फेवर फायर रोबर्ट फ्रॉस्ट आगे बताते हैं कि मैंने जितना डिज़ायर के बारे में जाना है मैं उन लोगों को फेवर करूंगा जो फायर को रीजन मानते हैं इस वर्ल्ड के एंड होने का बट इफ इट हैड टू पे ट्वाइस रोबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर ये दुनिया दो बार खत्म होगी आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट रोबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे नफरत के बारे में भी बहुत कुछ पता है ये दुनिया नफ़रत की वजह से भी खत्म हो सकती है टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड उड सफाइज अगर किसी रूबर फ्रॉस कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हेट मीन्स नफ़रत की वजह से भी खत्म की जा सकती है इट मीन्स आइस उड इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड तो गाइज ये थी आज की हमारी पोम तो आप प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा